वेलकम टू माई चैनल। आज मैं जा रही हूँ मैथन लैब और बहुत दिनों बाद मैं घर से निकल रही हूँ। कोरोना पीरियड में के बाद आज हम लोग घूमने जा रहे हैं मैथन लैब। आप लोग को भी ले चलती हूँ और यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है और जाने आने में हम लोग को 100 किलोमीटर लगेगा। तो सुबह में हम लोग अभी 1:30 बजे निकल रहे हैं और फिर देखते हैं। चलिए आप लोग को भी घुमाते हैं मैथन डैम। ठीक है गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। अब पहले सोची कि थोड़ा पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पेट्रोल को फुल करवा। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हम लोग घूमने जा रहे हैं आज पहली बार कोरोना पीरियड के बाद। देखते हैं। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। स्वागत है और आप लोग इंजॉय कीजिए धनबाद के सड़कों पे। कैसा लग रहा है ये हमारा धनबाद शहर? दोनों तरफ मार्केट है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये हमारे घर के अभी बहुत ही नज़दीक है और हमें अभी 50 किलोमीटर आगे जाना है। तो चलिए इंजॉय। बता दे तू कहाँ पे रहती है, ढूंढता रहता हूँ मैं गली। आज हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत दिन के बाद में हम बाहर निकले हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी मिल रही है। इतने दिन बाद बाहर निकलने के बाद जो खुशी मिलती है क्या बताऊं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रोड पे एकदम दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है और मौसम भी ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोग भी बहुत दिन से घर में हैं तो चलो आप लोग को भी धनबाद के शहर से आपको मैथन डैम तक घुमाया जाए। बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, एक बार तुम लोग भी विजिट ज़रूर करना मैथन डैम। वहाँ पे बोटिंग वोटिंग का भी सुविधा है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अभी सब चिप्स निकाल कर खाना शुरू कर दिए, देखिए कितना ग्रीनरी है। और ये जो है ईंट के भट्टे हैं जिसमें ईंट बनते हैं, तो इससे धुआँ जो निकल रहे हैं उसमें ईंट बन रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए चारों तरफ बादल, देखिए कितना सुंदर है। वो मंदिर था और ये सड़कें हैं। अब हम लोग अप्रोक्स आधा पहुंच चुके हैं मैथन डैम के बीच में, आधा पहुंच चुके हैं और आधा है बाकी। चलिए एंजॉय कीजिए। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत सुहाना है और देखिए ये चारों तरफ रोड की सड़कें और यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे
लगता है, आँखों को ठंडक भी मिलता है और नेचुरल ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए आ गया हमारा मैथन डैम का आपका बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दामोदर घाटी निगम मैथन बांध धनबाद वेलकम दामोदर वैली करके लिखा हुआ है। अब हम लोग अंदर उसके रास्ते में जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर इसके रास्ते हैं, दोनों तरफ कलरफुल आपको देखने को मिल रहा है, कितना सुंदर से उसमें कलर किया हुआ है। और इधर जो देखिए पूरा आपको दिख रहा है, ये है आपको घाटी जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं मैथन डैम, और रास्ता बहुत ही स्मूथ और क्लीन है गाइज। ऐसे अंदीना जाओगे तो बहुत ही भीड़ रहता है वहाँ पे, लेकिन अभी कोरोना पीरियड के कारण थोड़ा सा शांति है। आप लोग भी गाइज ज़रूर जाना, कितना सुंदर मौसम है, ऐसा लगेगा कि आपके सारे थकावट दूर हो गए, दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली। अब हम लोग अप्रोक्स पूरे पहुंच चुके हैं मैथन डैम, और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी लगा दिए। देखिए कितने छोटे छोटे स्टोर्स हैं, और यहाँ पे गोलगप्पे के ये लगे हुए हैं, और यहाँ पर मेरी बेटी सो गई है तो उसका वेट कर रहे हैं कि थोड़ा वो उठ जाए, तो फिर हम लोग कार से निकलेंगे। और फिर उसके बाद देखिए पूरी गहरी नींद में सो रही है, थक गई बेचारी खेलते खेलते कार में ही। और अब हम लोग निकल गए हैं। देखिए आपको बोटिंग करना रहेगा तो इधर से ही जाना रहेगा, बोटिंग लिखा हुआ है इधर जो बोर्ड लगा हुआ है। और इधर काफ़ी डेंजरस है गाइस, बहुत ही संभल के जाना होता है, इसकी सीढ़ी काफ़ी ख़तरनाक है, नहीं तो इसकी जो पानी है वो काफ़ी गहरे हैं, थोड़े से भी पाँव स्लिप होंगे तो आप लोग गिर जा सकते हो। तरह से यहाँ पे कई बोट हैं, कोरोना पीरियड के कारण यहाँ पे अभी काफ़ी खाली खाली है, नहीं तो काफ़ी भीड़ रहते थे। और ये लोग बोटिंग जो करते हैं बहुत ही चार्ज लेते थे, लेकिन कोरोना पीरियड में अभी कोई नहीं घूम रहा है, तो बहुत ही कम चार्ज में हम लोग को पूरा मैथन डैम घुमा दिए। मैथन डैम हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तो बहुत दूर जा नहीं सकते, इसलिए फिर से थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए मैथन डैम भी घूम रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये डैम है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी धूप था गाइस, पूरे फेस पे धूप लग रहा था, आँख नहीं खुल रहा था, तो मैं तो सन ग्लास ले जाना भूल गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के सन ग्लास पहन ली, अब थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। तो देखिए आप लोग भी पूरे मैथन डैम का सैर कीजिए गाइज, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैथन डैम का सैर कैसा लगा। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइज, यहाँ पे हल्की हल्की गर्म भी लग रही है, धूप आने के बावजूद भी थोड़ा उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए गाइज सभी बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, एक बार तो यहाँ घूमना सबको बनता है गाइज, बहुत ही अच्छा है। मैं धनबाद में रहती हूँ तो मेरे काफ़ी नज़दीक पड़ता है, धनबाद से ओनली 50 किलोमीटर्स ही आगे है, तो 50 किलोमीटर्स जाने में लगता है और 50 किलोमीटर्स आने में लगते हैं, बस 100 किलोमीटर, थोड़ा मन भी रिफ्रेश हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ उधर बहुत गहरा पानी है, और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मैंने अपने हेयर को अच्छे से इसलिए बांध ली हूँ क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो बाल को हमेशा रबर से बांध लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने हेयर के साथ कोई ये नहीं करना चाहती, बांध देने से क्या होता है बाल उलझते नहीं है और एक जगह पर रहते हैं।
गाइज आप लोग देख सकते हैं बच्चे कितने इंजॉय कर रहे हैं और सभी अपने सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, बोल रहा है मम्मी देखो इधर मैं तुम्हारा फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह से आपके पूरे मैथन डैम का आप लोग को सैर करवा दी हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मैथन डैम का टूर। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिर से एक खतरनाक रास्ता से होकर ऊपर जाना होगा। फिर बाहर में झूले भी लगे रहते हैं, बच्चे जिस पे इंजॉय करते हैं। मेरी बेटी अकेले उस पे झूलने लगी क्योंकि अभी भीड़ भाड़ नहीं थे, तो बहुत ही मस्ती करी। अभी कार पे बैठी है, फिर बोली कि बत्तख पे भी बैठना है, तो फिर बत्तख पे बैठती है। हम लोग वहाँ पे खड़े हैं और वो खूब इंजॉय भी कर रही है बेटी मेरी बहुत दिन के बाद। उसके बाद देखिए घूमे जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर उसे डर लगने लगता है, बोलती है कि रोक दो मुझे डर लग रहा है। उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक से सब पी रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। फिर ये घाटी के पास हम लोग थोड़ा रुककर फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड बोल रहे अब चलो बहुत हो गया, लेकिन मैं बोल रही हूँ थोड़ा रुक जाओ मुझे और भी इंजॉय करना है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं चलो बहुत हो गया। तो मैं बोली कि नहीं, मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी थोड़ा घाटी दिखा दूँ मैथन डैम, तुम थोड़ा सा शूट कर दो मेरा। तो मेरे हस्बैंड ने मोबाइल लेकर थोड़ा सा ये करने लगे, बोले बस बहुत हो गया। तो मैंने अपने से ही थोड़ा सा आप लोग को मैथन डैम की सैर कराने लगी, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग के लिए इतना करती हूँ, तो आप लोग भी मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, बिना सब्सक्राइब किए हुए आप लोग इंजॉय करते हैं। तो देखिए अब हम लोग घर के आने के लिए रेडी हो गए हैं, शाम हो गई है इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो घर पे हम लोग आप पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। आप लोग को भी मैं मैथन डैम और धनबाद के रास्तों का रूबरू करवाया और कैसा लगा मैं जहाँ पे रहती हूँ धनबाद वो ज़रूर बताइएगा, और मैथन डैम कैसा लगा। तो हम लोगों ने बोटिंग की, खूब इंजॉय की। अब अभी बज रहे हैं 5:30 शाम के, मैंने 1:30 बजे निकली थी और 5:30 बजे घर आई हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, नमस्ते।